श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है। इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है। दोस्तों, ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा। ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी अच्छे संयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे, थर्ड हाउस में रहेंगे और वहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो दिन काफ़ी अच्छा और भाग्यशाली साबित हो सकता है। तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है, तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे। जी हाँ, जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे से निभाओगे। इस समय में लगभग हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। सुबह से ही आप प्रसन्न रहोगे, फ्रेश रहोगे, पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे। व्यापारियों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा। व्यापारी इस दिन खुलकर निवेश कर सकते हैं। ये समय आपके लिए तरक्की लेकर आया है, तो अच्छे समय का अच्छा लाभ जरूर उठाएं। इस समय में आपकी धार्मिक चीजों की ओर रुचि बढ़ती दिखाई देगी। आप धार्मिक रहोगे। इस समय में धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। दोस्तों, इस समय में कुछ लोग आपसे मदद भी मांगने आ सकते हैं, उन्हें सही राह जरूर दिखाएं। इस समय में आपकी बोली में मिठास रहेगी, लोगों को प्रभावित करने में आप कामयाब रहोगे। अगर आप राजनीति में हैं, तो आपकी तरक्की काफी तेजी से हो सकती है। आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो। अगर कोई सरकारी काम करना है तो कर लीजिए, काम सफल होगा, समय बिल्कुल सही है। किसी नई चीज की खरीदारी करनी है, कोई बड़ी खरीदारी करनी है या कोई नया काम शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो इस समय में काफी सुंदर योग बन रहा है। इस समय का फायदा जरूर उठाएं। किसी भी चीज की नई शुरुआत इस दिन आप कर सकते हो। इस समय में आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खेल कूद से संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रमोशन या नया जॉब पाने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर इस तरह का कोई काम आपको करना है तो प्रयास जरूर करें, आप सफल हो सकते हैं। इस समय में यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अपने बिजनेस या जॉब से संबंधित यात्रा भी इस समय में आपको करनी पड़ सकती है। यात्राएं शुभ रहेगी, सफल रहेगी। विदेश यात्रा के योग भी इस समय में बन रहे हैं। विदेश से धन कमाने के मौके भी मिल सकते हैं। इस दिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप शांत व आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे। तो देखें तो लगभग हर क्षेत्र में कामयाबी व सफलता इस दिन आपको मिलती दिखाई दे रही है। नौकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुभ साबित होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को छोटी मोटी बाहरी रुकावटें आ सकती हैं। इससे पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे अचानक से मेहमान घर आ सकते हैं, अचानक आपको कोई नया काम करना पड़ सकता है, लेकिन समय काफी अच्छा है। अंत में आपकी पढ़ाई मन मुताबिक पूरी जरूर होगी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो लव लाइफ के लिए भी ये समय बेहतरीन है। कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा। जी हाँ, जीवन के हर पल का पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके अपनों के जीवन को खुशियों से भर दें। इस दिन आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ और मस्त रहोगे। इस समय में हरे रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और 5 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।